हाय एवरीवन, वेलकम इन आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज। गाइस, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फैशन इलस्ट्रेशंस, और उससे पहले हम जानेंगे फैशन इलस्ट्रेशंस के टाइप के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं 10.5 आइडियल फैशन इलस्ट्रेशंस की मेज़रमेंट होती है, बट आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 12.5 के इलस्ट्रेशंस कैसे ड्रॉ करें और किस तरह से इलस्ट्रेट करें। उससे पहले थोड़े से मैं इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को देना चाहूँगी। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये तमाम इलस्ट्रेशन 10.5 में बने हुए हैं गाइस। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल्स फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में 12.5 के जो लॉन्ग फैशन इलस्ट्रेशन होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम थोड़ा सा टैली करेंगे और कोशिश करेंगे दोनों इलस्ट्रेशंस को मैं समझा सकूँ बहुत अच्छे तरीके से। सो दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज की क्लास में कुछ नया आप लोगों को स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आज की क्लास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक कलर का चार्ट पेपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्केल यूज़ करेंगे और हम कलर यूज़ करेंगे, वाटर कलर यूज़ करेंगे। साथ में हम ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर वाइट कलर के जेल पेन, जो कि वाटरप्रूफ है, उसका इस्तेमाल करके बनाएंगे एक बहुत प्यारा सा इलस्ट्रेशन। और आज के इलस्ट्रेशन में बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो बिना स्किप किए ये वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है और कुछ इलस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। बट इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, और अगर आपको स्किल और भी डेवलप करना है तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ सर्टिफिकेट बेसिक कोर्स के लिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया है, 12.5 का ड्रॉ किया है। Draw the straight line on the chart paper. The measurement is 12.5. अब हमने यहाँ पे एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट ड्रॉ किया है, साथ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाइन्स, फ्लावर्स एंड पैटर्न। सो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जब भी आप इलस्ट्रेशन करें तो एलिमेंट्स ज़रूर मेंशन करें कि आप किस एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। हमेशा आप थोड़े थोड़े अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहिए। जैसे कि आज के इलस्ट्रेशन में हमने वाइट के जगह ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह आप भी डिफरेंट डिफरेंट कलर पर डिफरेंट डिफरेंट इलस्ट्रेशन ट्राई कीजिए, ताकि आपकी जो डिज़ाइनिंग स्किल है दोस्तों वो बहुत अच्छे इन्हेंस हो सके। तो फिर हमने यहाँ पे वाइट कलर के वाटरप्रूफ जेल पेन इस्तेमाल किया है और हम डिज़ाइंस कर रहे हैं। अच्छा, वाटरप्रूफ ही क्यों होना चाहिए ये पेन? क्योंकि हम जब इसमें कलर अप्लाई करेंगे, लाइक वाटर कलर अप्लाई करेंगे, तो ये मर्ज नहीं होगा, हमारा पैटर्न इन डिज़ाइंस एट इट इज़ ऑलरेडी ऑन द इलस्ट्रेशन सेट रहेगा। तो ये चीज़ तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपको जो भी इस्तेमाल करना है इलस्ट्रेशन के लिए, लाइक पेन, वो वाटरप्रूफ ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे एक हमने इंडो वेस्टर्न टॉप बनाया है, साथ में हमने प्लाजो पैंट बनाया है। अब हम इस्तेमाल करेंगे स्टेडलर पेंसिल। स्टेडलर पेंसिल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ताकि आप लोग बहुत आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वाइट कलर का ये जो जेल पेन है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डालूंगी। ये कलर ट्यूब है, इसका भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, ताकि आप बहुत आसानी से ऑर्डर करके मंगा सकें और अपने फैशन इलस्ट्रेशन को इन्हेंस कर सकें। सो दोस्तों, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी करना। आज हम स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं फैशन इलस्ट्रेशंस 12.5 में। जैसे यहाँ पे देखिए, मेंशन किया हुआ मैंने 12.5, लेकिन आप देखेंगे कि साथ में मैं यहाँ पे 10.5 की भी इलस्ट्रेशंस के कुछ डिटेल्स शेयर करूँगी। दोनों के डिफरेंसेस हम टैली करेंगे, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों इलस्ट्रेशंस की कितनी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए हम कलर फिल करते हैं। आज के इलस्ट्रेशन में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जेल पेन वाइट कलर का, स्टेडलर पेंसिल जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अप्लाई कर रही हूँ। 1Y डायरेक्शंस हैं, दिस इज़ द टेक्निक एंड वेरी इजी टेक्निक। आपको हर मोमेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है कि आपने किस तरह से फोल्ड दिया है, किस तरह से पैटर्न क्रिएट किया है, और आपके फैब्रिक का फ्लो किस तरह है, वो तमाम डिटेल्स पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद डिज़ाइंस के लिए। चलिए फिर डिज़ाइंस कंप्लीट करते हैं।
सो पेंसिल मर्ज करने के बाद मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ रेड कलर का। जी हाँ, रेड कलर, और रेड कलर मेरा फेवरेट कलर है, रेड कलर प्राइमरी कलर है। सो इस तरह से वाटर कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ ओवरऑल प्लाजो पैंट में, क्योंकि मैंने व्हाइट कलर का टॉप फ्लावरिश बनाया है एंड रेड कलर का प्लाजो पैंट बनाऊंगी, और साथ में व्हाइट कलर के थोड़े से शेडिंग दूंगी इस इलस्ट्रेशन में। और आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने भी ये इलस्ट्रेशन ट्राई किया या नहीं किया। एज यूजुअल आप कोई भी इलस्ट्रेशन ट्राई कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो देखने के बाद आपने इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस की है कि नहीं। सो यहाँ पे अप्लाई करने का एक और तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप ब्रश का इस्तेमाल करें, ब्रश इस्तेमाल करने से पहले आप उसे कम से कम एक मिनट के लिए पानी में डिप कर दें, ताकि उसके जो ब्रश हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, ताकि वो अप्लाइंग बहुत अच्छे हो, या फिर उसके अंदर अगर कुछ कलर्स रह गए हैं वॉश करने के समय वो पूरा निकल जाए और आपके कलर एट इट इज़ वही दिखें जो आप चाहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप वाटर कलर इस्तेमाल करें या फिर डिफरेंट डिफरेंट मीडिया का इस्तेमाल करें। अब हम फ्लावर पे पॉइंट दे रहे हैं रेड कलर का, चूँकि रेड कलर का प्लाजो है तो थोड़ा सा हम गॉर्जियस लुक देने के लिए इस इलस्ट्रेशन में हम फ्लावर मेंशन कर रहे हैं। आप अलग तरह के भी पैटर्न ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने फ्लावरिश पैटर्न एंड लाइन का इस्तेमाल किया है, जो कि दोनों एलिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप भी अलग अलग एलिमेंट्स की सहायता से इलस्ट्रेशन ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं प्लाजो के लिए लॉन्ग फ्रिल दे रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं बूट कट मैं बनाने वाली हूँ, चूँकि बूट कट अगेन फैशन में आने वाला है, तो मैंने सोचा इलस्ट्रेशन में ही बूट कट की डिज़ाइंस ड्रॉ कर लूँ, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग भी फैशन एंड ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इलस्ट्रेशन बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप डायरी में लिख लीजिए कि जब भी आप फैशन इलस्ट्रेशन बनाएं तो रिसेंटली कौन से फैशन एंड ट्रेंड चल रहे हैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान दें, ताकि आपका हर एक इलस्ट्रेशन फैशन एंड ट्रेंड के हिसाब से आपके पास हो। आपके फैशन इलस्ट्रेशन आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो गाइज, AAD स्टूडेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट है कि आप जब भी शीट बनाएं प्रॉपर बनाएं, क्योंकि हम आपको जल्द से जल्द पोर्टफोलियो बनाना सिखाने वाले हैं, तो आपकी सीट रेडी होनी चाहिए। और जिन भी बच्चों का सर्टिफिकेटेड कोर्सेस कंप्लीट हो गया है, जिसमें नूर है, रानी है, आप सब भी अपने शीट को रेडी कर लीजिए, ये मैसेज है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बन सके। सो यहाँ पे देखिए, रेड कलर के बाद हमने कुछ ट्यूब से वाइट कलर लिया है और हमने मर्ज किया है इसे इस तरह से, और डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की है। अब इसमें एक सरप्राइज़ और बाकी है, और ये सरप्राइज़ क्या होगा, इसको हमने फाइनल टच कैसे देना है, इसका लुक कैसा आएगा, ये मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों के साथ सरप्राइज मोमेंट बना रहे। तो दोस्तों, आप इंतज़ार कीजिएगा कि इसको हम फाइनल लुक कैसे देंगे, बट जल्दी हमारा इलस्ट्रेशन का क्लास कंप्लीट हो जाएगा और हम शुरुआत करेंगे नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, और आने वाला टॉपिक आप सबका बहुत फेवरेट टॉपिक है, और जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन से टॉपिक पे आप वीडियो की सीरीज़ लाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है हमारे इलस्ट्रेशन सीरीज़ का 6वां नंबर का सीरीज़ है, 6th क्लास है, और अब हम 7th क्लास से दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे पैटर्न की स्टडी करेंगे। तो वीडियो एंजॉय कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने प्रैक्टिस किया या नहीं किया, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप सबको अगेन अगेन रमज़ान बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड कलर का इस्तेमाल करते समय जो बातों का ध्यान देना है आपको वो ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर, बाय बाय।